रामनगर में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए विदेशी मेहमानों का पंतनगर एयरपोर्ट पर उत्तराखंड की संस्कृति अतिथि देवो भवा के तहत जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कुमाऊनी वेशभूषा में मौजूद महिलाओं ने विदेशी मेहमानों को तिलक लगाकर, पहाड़ी टोपी पहनाकर और पिछौड़ा पहनाकर एयरपोर्ट पर मौजूद उत्तराखंडी कलाकारों ने लोक नृत्य और लोकगीतों के माध्यम से मेहमानों का स्वागत किया। वहीं विदेशी मेहमान उनके साथ थिरकते और सेल्फी लेते नजर आए। स्वागत समारोह के बाद सभी को रुद्रपुर में एक निजी होटल ले जाया गया, जहां उन्हें भोजन में उत्तराखंडी व्यंजन भी परोसे गए। रामनगर में आयोजित G20 की बैठक में सीएम धामी भी शामिल होने पहुंचे और इस दौरान सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने रामनगर में G20 की तैयारियों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के बाहर दीवारों पर कलाकारों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का निरीक्षण करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। तो 3 दिनों तक का G20 की समिट चलेगी। गर्जिया देवी मंदिर में सीएम ने दर्शन पूजन किए, उस दौरान की तस्वीरें हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम हैं, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आएगा। उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में इसके लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाला G20 समिट आज से शुरू हो गया है। इसके लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के रामनगर में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। अभी कुछ ही देर पहले जो है उत्तराखंड में जो विदेशी मेहमान जो डेलीगेट्स हैं वो अभी यहाँ पहुँचे हैं। इसको लेके जो है लखनपुर चौक पर महिलाओं ने स्वागत किया। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं या जो है अभी डेलीगेट्स पहुँचे हैं, आपने उनका स्वागत किया, तो किस तरीके का महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और मैं तो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते कि उन्होंने हमारे रामनगर को चुना। और क्योंकि G20 जो हमारे सम्मेलन होने जा रहा है उससे हमें बहुत फ़ायदे होने वाले हैं और हमारा जो नाम है रामनगर का हमारे पूरे विश्व में जाएगा, हमें बहुत खुशी हो रही है। पंतनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कलाकारों ने मेहमानों के स्वागत में छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्हें रामनगर के लिए रवाना किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने रामनगर पहुंचकर कुछ प्रदर्शनी भी देखी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है
और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। उसमें से तीन बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो पीएससी लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम हैं, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आएगा। मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। टीम न्यूज स्टेट। तो रोहित हमारे सहयोगी रामनगर से इस वक्त अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आपके पास आएंगे, जैसा कि हम तैयारियों में देख पा रहे हैं, जो तैयारियां वहां पर की गई हैं, तस्वीरों में हमने देखा कि जो G20 के मेहमान वहां पर आए हुए हैं उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया है। क्या कुछ इस दौरान की तस्वीरें, क्या तैयारियां? रोहित, सुन पा रहे हैं आप? चलिए हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री भी डिनर पर मिलेंगे उन तमाम लोगों से और रामनगर में तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं G20 समिट की बैठक के लिए। तमाम जो G20 के मेंबर हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर और जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। तो पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया है, जो उत्तराखंड की पहचान है उसके तहत और जो उत्तराखंड का व्यंजन है, जो भोजन है, वो उनको परोसे गए हैं। पारंपरिक तौर पर स्वागत हुआ है और ब्रह्म कमल वाली जो टोपी है वो उनको पहनाई गई। उसके अलावा जो लोक नृत्य है उसके तहत स्वागत किया गया है। तो मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे गर्जिया देवी मंदिर, जहां उन्होंने दर्शन किए, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें